नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक देशवाल। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के अंदर। तो गाइज, आपको थंबनेल और वीडियो का टाइटल देख के तो पता ही लग गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं टाटा टिगोर ICNG के वेरिएंट के बारे में। तो आपको इसके अंदर बेसिकली दो वेरिएंट के अंदर ऑप्शन मिल जाता है, एक आता है आपका एक्जी और एक आता है एक्जी प्लस। लेकिन आप उसी तरफ अगर आप टिगोर की तरफ जाते हो तो भाई टिगोर के अंदर चार वेरिएंट आपको मिल जाते हैं बेस टू टॉप। तो भाई सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं टिगोर के बारे में। टियागो के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी इससे पहले वाली, आप आई बटन के ऊपर लिंक आ रहा है, जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आज के अपने रिव्यू को। अच्छा भाई, सबसे पहले बात आती है टिगोर की। तो टिगोर मुझे पता है सभी लोगों ने देखी हुई है, कैसी स्पेस है, कैसी कुछ इसकी बॉडी लाइन है। सेडान के अंदर सेफ्टी के मामले में नंबर वन गाड़ी है। 1.2 लीटर का रेवलटॉन पेट्रोल इंजन आपको देखने को मिल जाता है। कार के अंदर की जो है वो रिमोट की आती है, क्योंकि इसका एक्जी और एक्जी प्लस दोनों ही टॉप है। आपको वेरिएंट आपको दोनों जो है देखने को मिलते हैं वो एक्जी और एक्जी प्लस दोनों में ही आपको रिमोट की का आपको ऑप्शन दिया गया है। साथ ही में अगर आप इसके बात करोगे टिगोर की, तो यहाँ पे आपको टिगोर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और जो चेंजेस आए हैं वो है बस यहाँ पे ICNG का ब्रांडिंग है, और जो इसके अंदर CNG वेरिएंट है वो आपको एक चेंजेस है, और पीछे आपके कि CNG का लोगो। यार ये ना, ये तो हर किसी गाड़ी में देखने को मिल जाता है, लेकिन जो ये आपके वेरिएंट यहाँ पे जो लिखा हुआ है ICNG, ये देखने में कसम से अच्छा लगता है। लेकिन आपको इसके अंदर एक चीज मिसिंग है, जो कि आपका रिवर्स पार्किंग कैमरा है। लेकिन अगर आप इसके एक्जी प्लस वेरिएंट की तरफ जाते हो तो आपको उसके अंदर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा देखने को मिल जाएगा। साथ ही में अगर आप इसके रियर बम्पर से बात करते हो तो दो सेंसर्स आपको देखने को मिलेंगे। चाहे आप इसकी टिगोर ले लो, टियागो ले लो, एल्ट्रोज ले लो, पंच ले लो, टाटा की मोस्टली कार्स में, यहाँ तक कि हैरियर के अंदर भी आपको दो या चार दिए गए होंगे। उसमें मुश्किल या ज़्यादा बढ़िया तो उसमें चार, मेरे ख्याल से उसमें भी मैंने दो ही देखे हैं उसके बेस वेरिएंट में। तो ये इसका एक्जी वेरिएंट है, तो इसमें भी आपको दो सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, और इसके सेंसर्स इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि दो सेंसर्स काफ़ी हैं टाटा के अंदर। साथ ही साथ आपको इसके अंदर रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको नहीं मिलता, वो आपको बता चुका हूँ। लेकिन आपको इसके अंदर टेल लाइट जो है वो व्हाइट कलर के अंदर देखने को मिलेंगी, जो कि टिगोर के अंदर आती ही हैं। और इसके अंदर आपको स्टॉप लाइट, टर्न इंडिकेटर्स, रिवर्स पार्किंग लाइट, नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इसी तरफ, अगर आप टियागो की तरफ जाओगे तो उसके अंदर आपको रिफ्लेक्टर्स नहीं आते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको उसका बूट और ओपन करके दिखाता हूँ, जो कि इसका 412 लीटर समथिंग का इसका बूट स्पेस आता है। तो यहाँ पे आपको एक मैग्नेटिक बटन दे रखा है, यहाँ पे आप देखोगे तो मैग्नेटिक बटन आपको दे रखा है। दो लाइट्स दे रखी है नंबर प्लेट जस्टिस करने के लिए। और ये भाई इसका बूट स्पेस, मतलब सिलेंडर भी लग गया है, अभी 200 समथिंग का इसके अंदर बूट स्पेस बचा हुआ है, जो कि इसके अंदर आपके इजीली दो बैग, एक सूटकेस और एक नॉर्मल बैग आपका इजीली इसके अंदर आ सकता है। और यहाँ पे स्पेस देखो यार, आप एक बार ना स्पेस देखो। अच्छा, स्पेयर व्हील की बात करोगे तो भाई यहाँ पे आपका स्पेयर व्हील है, ये रहा। तो यहाँ से आपका स्पेयर व्हील भी इजीली निकल जाएगा। लेकिन यही आपको अगर टियागो अगर आप लेते हो तो टियागो के अंदर आपको जो स्पेयर व्हील वगैरह है वो आपको यहाँ से आपके जो सीट्स वगैरह है फ्रंट की, वो आपको फोल्ड करके तब आपका स्पेयर व्हील निकलेगा। लेकिन टिगोर के अंदर यहीं से ही निकल जाता है आपका स्पेयर व्हील। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि इसके अंदर जो हाई माउंटेन स्टॉप लैंप आती है ना, ये वाली, भाई कसम से मुझे इतनी कातिल लगती है ये, क्योंकि आप रेंज रोवर वेलार के अंदर देखना बिल्कुल सेम ऐसी ही आपकी जो ऊपर के हाई माउंटेन स्टॉप लैंप आती है। और ये सिर्फ टिगोर के अंदर आती है और किसी वेरिएंट के अंदर आपकी मिलती नहीं है, जो कि सेडान के अंदर देखने में लुकिंग वाइज भी गाड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, एक तो आपको टिगोर गाड़ी मिल गई, ऊपर से CNG, सेफ्टी में नंबर वन, 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन रेवलटॉन वाला, और बूट स्पेस, और सेडान कार, और यार और क्या चाहिए यार, अंबर क्या जान लोगे बच्चे की। तो यार मजाक वाली बात थी, इट्स अ पार्ट ऑफ जोक। अच्छा, बात करते हो इसके साइड प्रोफाइलिंग, तो साइड प्रोफाइलिंग जो है टिगोर की कुछ स्टेप्स आपकी आती है। यहाँ पे अगर आप इसके टायर साइज़ की बात करोगे तो गुडियर के टायर आते हैं इसके अंदर। साइज़ की अगर आप बात करते हो तो 175x65 आर 14 इंच की स्टील रिम आते हैं, ब्लैक कलर के अंदर आपके स्टील रिम है, और ऊपर से आपके इसके अंदर व्हील कैप्स आपको दिए गए हैं। बात करते हो इसके मिरर्स की, तो ओवरियम्स की अगर हम इसके बात करेंगे तो ये आपको मैनुअली फोल्ड वगैरह आ जाएंगे। लेकिन अगर आप बात करते हो एडजस्टमेंट की, तो भाई ये आपके ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट आ जाते हैं। लेकिन फोल्डेबल अगर आपको चाहिए तो भाई आप इसके टॉप वेरिएंट की तरफ जा सकते हो, स्विच कर सकते हो टॉप वेरिएंट की तरफ। साथ ही में अगर आप इसके एक्जी वेरिएंट की फ्रंट प्रोफाइलिंग से अगर आप बात करोगे तो ये है इसके फ्रंट प्रोफाइलिंग, जो कि आपको फ्रंट में देखोगे तो यहाँ पे आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पे इसके अंदर आपको ट्राई एरो डिज़ाइन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उसी तरफ अगर आप टियागो की तरफ जाते हो तो उसके अंदर आपको ट्राई एरो डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। साथ ही में डुअल हॉर्न इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट में क्रोम बेल्ट, ये तो आपको हर एक टाटा की गाड़ी में मिलेगी, जो
इससे तो गाड़ी की टाटा की लुक आती है, बीच में आपको टाटा का लोगो देखने को मिल रहा है। तो ये जो क्रोम बेल्ट है एल्ट्रोस वगैरह आपको हर एक के अंदर मिलेगा। एल्ट्रोस के अंदर आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि टाटा के अगर आप टियागो या टिकाओ या एल्ट्रोस वगैरह अगर तरफ आप जाते हो तो लाइट्स के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर आपका पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर आपको काम देखने को मिल जाएगा। ये भी आपका पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर है, ये भी आपका पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर है। फ्रंट ग्रिल में यहाँ पर आपको हैलोजन बेस आपको लाइट दे रखी है, यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर्स, फॉग लैंप भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे जो कि एक्सी वेरियंट है। और ये जो पूरा पार्ट है ये आपका पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर है। साथ ही में यहाँ पर आपको टोइंग हुक का भी आपको ऑप्शन दे रखा है। फ्रंट की नंबर प्लेट आपकी यहाँ पे लग जाएगी। तो देखने में ओवरऑल गाड़ी का एकदम ऑसम है, आपको हर एक चीज़ तो मिल ही रही है, मैंने सब कुछ तो बता ही दिया आपको। वाइपर्स वगैरह आप देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे आपको वॉशर्स दे रखे हैं। अच्छा, वाइपर्स के ब्रेड जो है ना मुझे इसके अच्छे नहीं लगते, मुझे सबसे अच्छे जो ज़्यादा लगते हैं ना वो लगते हैं एल्ट्रोस के। टाटा के अच्छे लगते हैं लेकिन वो लगते हैं एल्ट्रोस के, देखने में थोड़े स्टाइलिश भी हैं। और ये तो यार थोड़े ओल्ड स्कूल टाइप हो गए हैं, 2000 अगर आप 2000 की अगर आप गाड़ियों में जाते हो तो उस टाइप के आपको उसके अंदर ये वाइपर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप एल्ट्रोस के देखोगे तो थोड़े स्टाइलिश वाइपर्स हैं और देखने में अच्छे लगते हैं और अच्छे से वर्किंग भी करते हैं, उनके ब्लेड्स वगैरह भी अच्छे हैं। गाड़ी के अंदर आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया बॉडी कलर डोर हैंडल्स के साथ। ये आपकी जो पूरा ये क्रोम का काम कर रखा है ये आपका रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे दे रखा है। अच्छा, रिक्वेस्ट यहाँ पे आपको जो ये जो लॉक दे रखे हैं ना ये भी ओल्ड स्कूल टाइप है टिगोर के अंदर, टियागो के अंदर भी, टियागो के अंदर अच्छे हैं लेकिन उसके जहाँ पे डोर ओपनर दे रखा है वहीं पर आपका लॉक का दे रखा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन था कि आपकी डोर गाड़ी जो है वो ओपन हो गई है। अच्छा, ऐसा मत सोचना अभी कोई डोर्स वगैरह मेरे ख्याल से ओपन रह गया कार का, तो मैं देख लेता हूँ कौन सा डोर ओपन रह गया जिस वजह से ये बंद नहीं हुई है सही से। हाँ, ये वाला देखो, ये डोर जो है इसका ओपन है। थोड़ी गाड़ी यार गंदी हो रखी है, माइंड मत करना, थोड़ी हवा भी चल रही है। तो अब यहाँ पर देखोगे तो आपकी जो है वो ईजिली लॉक हो जाती है और यहीं से आपकी अनलॉक हो जाती है। ये देखो, बात करते हैं इसके ड्राइवर साइड डोर की तरफ से। तो ये आपको जो पूरा पार्ट दे रखा है पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर है, आपका ग्रैब हैंडल जो है और इंटीरियर जो है वो डुअल टोन के अंदर है, जिसमें हम आपका ब्लैक नहीं कहेंगे, एक थोड़ा ग्रे और नीचे में आपका थोड़ा ये आपका डार्क ग्रे है, ये आपका पूरा ग्रे वाला नॉर्मल सिल्वर टाइप में आपको दे रखा है। यहाँ पर आपको चार पावर विंडो के ऑप्शन मिल जाएंगे। और ये जो पूरा पार्ट है ये कपड़ा लगा रखा है और पूरा प्लास्टिक का पार्ट है। और यहाँ पे आपको जो ड्राइवर साइड जो विंडो है ये आपका पावर विंडो ऑटो डाउन के साथ आती है, आपके साथ नहीं आती है। लेकिन फ्रंट की अगर आप सीटों की अगर आप बात करते हो तो सिक्स एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट आपको नहीं मिलती है, फ्रंट के हेडरेस्ट दोनों एडजस्टेबल मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ट्राई एरो डिज़ाइन का आपको काम देखने को मिल जाएगा इसके सीट्स वर्क के अंदर। उस तरफ अगर हम कार के अंदर चलते हैं, कार के इंटीरियर से बात कर लेते हैं। अच्छा, अभी हम आ गए हैं कार के इंटीरियर के अंदर। तो यहाँ पे आप देखो स्टीयरिंग, आपको स्टेप्स आपका स्टीयरिंग मिल जाएगा, डी कट टाइप स्टीयरिंग, जो कि आप टाटा के हर एक गाड़ी को उठाओगे तो आपको डिकट टाइप स्टीयरिंग आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल, जिसमें आपका वॉल्यूम अप डाउन है, क्रूज कंट्रोल का आपका ऐसे कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है। ये आपका पार्ट पूरा पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर दे रखा है। हॉर्न की बात करोगे इस टाइप से आपका हॉर्न आ जाएगा इसके अंदर। यहाँ पे आपको टाटा का लोगो जो है वो क्रोम के अंदर दे रखा है। साथ ही में आपके ओआरएम्स एडजस्टेबल, जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल रहते हैं, लेकिन अगर आप उसको फोल्ड करोगे तो ये आपको मैनुअली फोल्ड करने पड़ेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपके वाइपर से कंट्रोल दे रखा है, राइट हैंड साइड आपके टर्न इंडिकेटर्स, लाइट के कंट्रोलर दे रखे हैं। अच्छा, अगर आपको कार की का रिमोट की का करना क्या होता है, बस आपको यहाँ पे रखनी है, दैट्स इट। यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन दे रखा है, ये आपको प्रेस करना है। यहाँ पे यार इस चीज़ का टाटा कभी छेड़छाड़ नहीं करते अपने मीटर के साथ, चाहे उसका बेस मॉडल हो। हाँ, अगर आप बोलोगे कि यार एल्ट्रोस के अंदर वो ऐसा कर देते हैं, यार एल्ट्रोस एक अलग, अब वो अलग चीज़ है, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि उसमें ऐसा क्यों किया है। लेकिन अगर आप टाटा की और कोई गाड़ी लेते हो, चाहे आपके सामने तो टियागो खड़ी हुई है, तो इसके अंदर भी अगर आप इसका बेस वेरियंट है जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप चाहो तो आई बटन में लिंक आ रही है, जाके आप चेक कर सकते हो। तो भाई इसके अंदर भी सेम मीटर आपको दिया गया है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको सी एन जी का मोड दे रखा है, यहाँ चार पावर विंडो लॉक, ये देखो लॉक हो गए, यहीं से अनलॉक हो गए, बस ये थोड़ा एक यहाँ से भी आप लॉक और अनलॉक कर सकते हो वैसे। और ये ना ये मेरी गाड़ी में आया था 2007 में ली थी हमने वैगनार, उसके अंदर ये सिस्टम था, क्योंकि आजकल गाड़ियों में यहीं पे दे रखा है, टियागो के अंदर यहीं पे ही आता है। अच्छा, आपको सी एन जी मोड से अगर हटानी है तो यहाँ पर आपको सी एन जी का बटन दे रखा है, ये आपको एक बार प्रेस करना है तो ये आपका डीएक्टिवेटेड हो जाएगा सी एन जी, ठीक है। और उसके बाद अगर आप उसको दोबारा प्रेस करते हो तो ये देखो यहाँ पर लिखा आ गया सी एन जी मोड एक्टिवेटेड। अच्छा, यहाँ पे आपको जो फुली डिजिटल जो मीटर दे रखा है, यहाँ पे आपको सी एन जी का, ये आपका पेट्रोल का इंडिकेशन है। बीच में देखोगे तो आपकी स्पीडोमीटर के एम आई डी है, ये आपका टैकोमीटर दे रखा है। और मीटर के साइड में देखोगे ये पूरा क्रोम की आपकी बिडिंग कर रखी है साइडों में। बाकी आपका बूट ओपन करने का यहाँ पे भी दे रखा है। ये थोड़े जो फीचर्स हैं वो इसके अंदर बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आपका हरमन का आपका स्टीरियो दे रखा है, जो कि टच स्क्रीन स्टीरियो है। और यहाँ से आप अपनी वॉल्यूम,
तो ये हारमोनिका इसका स्टीरियो होता है, जिसमें आपका चार स्टीरियो, चार स्पीकर और चार ट्वीटर्स आपको दिए गए हैं। यहाँ पे आपका मैनुअली एसी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे आपको यूएसबी पोर्ट और यहाँ पे आपको ऑक्स का पोर्ट दे रखा है, सॉरी यहाँ पे आपको यूएसबी पोर्ट दे रखा है, यहाँ पे आपको 12 वाट का सॉकेट चार्जर दे रखा है, ऑक्स का इसके अंदर ऐसे कोई ऑप्शन आता नहीं है। स्पेसिंग यहाँ पे दे रखी है, अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हो। यहाँ पे मैंने की रख रखी है अपनी, यहाँ 5 स्पीड गियर मैनुअल के साथ आता है। साइड में देखोगे तो ये आपका सिल्वर फिनिशिंग के अंदर यहाँ पे आपको दे रखा है। 2 कप होल्डर दे रखे हैं, ये आपका हैंड ब्रेक है। आर्मरेस्ट का सच कोई ऑप्शन नहीं है, वाटर बोल्टर होल्डर जैसे मैं आपको बताया था, वाटर बोल्टर यहाँ पे आप रख सकते हो इजीली। बाकी सेम डेस्क बोर्ड है, टियागो लेगो ले लो, टिगो ले लो, बस यहाँ पे आपका इसका जो पीछे का पिछोड़ा निकाल दिया और टियागो का पीछे का पिछोड़ा काट दिया, बस इतना ही अंतर है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो ग्लव बॉक्स के अंदर स्पेसिंग भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। बाकी आप एसी वेंस के सराउंडिंग देखोगे तो यहाँ पे आपको पूरा पियानो ब्लैक फिनिश का काम कर रखा है, उस तरफ भी क्रोम और पियानो ब्लैक फिनिश। फ्रंट में दोनों एयरबैग का आपको ऑप्शन मिल जाता है, सेफ्टी के मामले में यार नंबर वन तो है ही। आप पीछे रियर व्यू मिरर की अगर आप बात करते हो तो आपको मैनुअली अपने हाथ से एडजस्ट करना पड़ेगा। वैनिटी मिरर का ऐसे कोई आपको ऑप्शन दे नहीं रखा है, और ड्राइवर साइड पर भी आपको टिकट होल्डर मिलता है, वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको दे रखा है माइक का ऑप्शन, और मिड के अंदर जो लाइट है ये पक्का LED होगी। यार बोलना ही, टाटा की कोई सी भी गाड़ी उठा लो आपको LEDs मिलती हैं। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल्स दे रखे हैं जो कि तीनों ही तरफ आपको देखने को मिल जाएंगे। इस तरफ भी आपको ग्रैब हैंडल है जो कि एडजस्टेबल है, ये देखो एडजस्टेबल ग्रैब हैंडल है। साथ ही मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे तो आपका सिलेंडर लगा रखा है, पूरा सेफ्टी रीजन। आप यहाँ पे इन फ्यूचर कभी कोई दिक्कत ना हो आप उसको यहाँ पे इजीली ओपन कर सकते हो। और ये आपका यहीं पे फिटमेंट है, आपको मैं बता दूँ ये फिट हो रखा है यहीं कहीं, आप इसको हटा नहीं सकते हो। आप सोचो पीछे रख दूँ या कहीं और रख दूँ, तो आपको यहाँ पे देखो ये यहाँ पे आपका लॉक लगा, डेट्स इट, ये आपका क्लोज हो गया इजिली। वैसे वैसे पता लगेगा नहीं, अगर सीट थोड़ी सी आगे हो जाएगी तो किसी को कुछ पता नहीं लगने का, बस और कुछ इसके अंदर आपको मिलता नहीं है। एक बार चलते हैं इसके रियर सीटिंग्स के अंदर, रियर सीटिंग्स में मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो बाहर जो है ठंड हो रही है और मौसम भी थोड़ा ख़राब सा हो रखा है, तो अगर हम इसी रियर सीटिंग्स की, अगर रियर डोर की अगर हैंडल की बात करें तो बॉडी कलर डोर हैंडल और ऊपर आपकी क्रोम की स्ट्रिप्स आपकी दे रखी है। साथ ही में रियर के जो आप देख सकते हो, रियर का जो पूरा डोर है वो भी सेम फ्रंट डोर जैसा ही आपको दिया गया है। यहाँ पे आपको होल्डर होल्डर्स वगैरह के ऑप्शन दे रखे हैं, और कप होल्डर यहाँ पे रखने के लिए मना किया गया है, जैसे आप देख सकते हो क्रॉस का इसने यहाँ बना रखा है। पावर विंडो डाउन और अप करने का शिफ्टर है, ग्रैब हैंडल है, ये आपका कपड़ा लगा रखा है, कोई आपका फॉर्म वगैरह नहीं है, हार्डनेस है पूरा की पूरी। अगर आप रियर सीटिंग्स की अगर आप बात करते हो तो रियर सीटिंग्स के अंदर आपको जो हेड रेस्ट है वो फिटमेंट वाले मिलेंगे, एडजस्टेबल नहीं मिलेंगे, लेकिन हाइट के हिसाब से एडजस्ट सही हो रखे हैं। लेकिन ट्राई एरो डिज़ाइन आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो बीच में हल्का छोटा सा आपका हेड रेस्ट दे रखा है, और ये एक अच्छी बात है टिगोर के अंदर। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका आर्म रेस्ट, और आर्म रेस्ट के अंदर मेरे ख्याल से कप होल्डर्स आते हैं, हाँ आते हैं, आप देख सकते हो उसके दो कप होल्डर्स का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है इसके अंदर। यहाँ पर आप देखो आपको आर्म रेस्ट के साथ 2 कप होल्डर्स का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। साथ ही में आपको इसके अंदर दे रखी है भाई टायर मोबिलिटी किट, जो कि आप टिगोर ले लो टियागो ले लो, आपको सबके अंदर ये टायर मोबिलिटी किट आपको देखने को मिल जाती है, जो कि आपके जो टायर्स हैं उसके अंदर क्या होता है, टायर्स के अंदर ना जो आपके टायर्स हैं उसके अंदर बेसिकली क्या है, वो ट्यूबलेस हैं, और आपको ये मदद करेंगे आपका एयर प्रेशर वगैरह और ट्यूबलेस टायर ठीक करने में, अगर इन फ्यूचर कभी कोई दिक्कत होती है तो। बाकी ये रियर से फ्रंट डैशबोर्ड का लुक है, कैसा लग रहा है टाटा टिगोर का आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। अच्छा बाकी बात आती है इसके इंजन की, तो यार एक बार मैं आपको इंजन भी दिखाता हूँ, 3 सिलेंडर इंजन 1.2 लीटर रेवरेट्रॉन, इसके अंदर 3 सिलेंडर इंजन आता है, लेकिन पावर सबसे ज़्यादा है आप ये देख सकते हो, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो ये है इसका इंजन, इसके अंदर आपको एक साइड की बैटरी देखने को मिल जाएगी, और इस टाइप से इसका लुक आता है इंजन का। और यार ये देखो ये है टाटा की बिल्ड क्वालिटी, अपने मतलब हाथ में, मतलब आप एक बार इसका दरवाज़ा पकड़ लो कुछ भी पकड़ लो, मतलब अलग ही पता लग जाती है टाटा की बिल्ड क्वालिटी। और सबसे प्राउड टू बी इंडियन, क्योंकि ये इंडिया की कंपनी है। यहाँ पर आप देखोगे तो थोड़ा बोनट के ऊपर ये जो थोड़ा आपका मैट में काम कर रखा, थोड़ी गाड़ी गंदी हो रखी है, थोड़ा माइंड मत करना क्योंकि मैं स्टॉक यार्ड के अंदर वीडियो बनाने आ रखा था। वैसे अगर मैं आपको सबको बता दूं, ये अगर आप इसके ऑन रोड प्राइस की बात करते हो तो भाई मुझे ये अभी ये कंफर्म नहीं है कि ऑन रोड आपको कितनी की पड़ेगी, लेकिन एक्स शोरूम प्राइस इसके आ गए हैं। जो एक्जी का है वो करीबन 7,70,000 रुपये का पड़ता है, और अगर आप एक्जी प्लस की तरफ स्विच करते हो तो वो 8.5 लाख रुपये की आपको एक्स शोरूम प्राइस में जाके पड़ता है। लेकिन ये ऑन रोड आते आते 7,70,000 रुपये के, मतलब 8 लाख से ऊपर आपको ये पहुँचेगी, और वो जो 8.5 लाख की है वो 9 लाख करीबन में आपकी पहुँच जाएगी। तो गाइस आपको आज की वीडियो आई होप अच्छी और इंफॉर्मेटिव लगी, अगर इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखें आप सबका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।